जमशेदपुर में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजन किया गया, जहां इस कार्य से जुड़े तमाम सरकारी पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया गया। बीते 9 नवंबर से यह अभियान शुरू किया गया है, जो आगामी 8 दिसंबर तक चलेगा, जिसके तहत जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी वोटर इस लिस्ट से छूटे नहीं। खासकर दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाले वैसे ट्राइबल जो आधुनिकता से दूर हैं, इन सभी में वैसे वर्ग जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, ऐसे तमाम मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ना, साथ ही निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत वोटर कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक करना, इन तमाम विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई, जहां जिले के उपायुक्त के अलावे तमाम आलाधिकारी, तीनों निकायों के पदाधिकारी और तमाम BLO मौजूद रहे। मौके पर DC ने सभी को इस कार्य को समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने संबंधी निर्देश दिए। मतदाता सूची पुनरीक्षण SSR 23 के तहत 8 दिसंबर तक इस कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसमें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का 2 दिन में कवरेज हो चुका है। आज रैन बसेरा और शेल्टर होम में रहने वाले लोगों को हम कवर कर रहे हैं। कल हम 80% या उससे ज़्यादा उम्र दराज जो लोग हैं उनको हम कवर करेंगे, और हम आगे आने वाले 1-2 दिनों में जो ट्रांसजेंडर्स हैं, तृतीय पंथी जो हमारे भाई बहन हैं, उन लोगों को भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये सारा काम इस पुनरीक्षण के कार्यक्रम में हो रहा है। साथ ही साथ जिन लोगों के वोटर कार्ड ऑलरेडी बने हुए हैं मगर आधार के साथ नहीं लिंक हो रहे, खास करके असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जमशेदपुर ईस्ट और जमशेदपुर वेस्ट में आधार लिंकेज का नंबर इतना प्रोग्रेसिव नहीं है, उस केस में एक कम्युनिटी के थ्रू एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करना ज़रूरी था। लोगों के बीच में एप्रिहेंशन से कि आधार का इस्तेमाल किसी अन्य कामों के लिए किया जाएगा तो हम कैसे सुरक्षित रहे। जनरली आपके गवर्नमेंट पोर्टल्स पे आप आधार किसी का देखिएगा तो लास्ट के 4 डिजिट से दिखाई देते हैं। आपका आधार कहीं और इस्तेमाल नहीं होगा, किसी थर्ड पार्टी को भी वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। वही यूनिक जो मतदाता है उसी का वोट रजिस्टर्ड हो और कोई और प्रॉक्सी या फर्जी या घोस्ट वोटिंग नहीं हो, जिसके तहत ये काम हो रहा है। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।